गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था, लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये सीखा कि आखिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला था जो हमारा मेनली डील होता है पूरी केमिस्ट्री में वो मोलरिटी और मोलालिटी से होता है। और आई होप सो मैंने जहां तक है कि मोलरिटी पे काफी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा, अब हम ग्रुप ए का हमने देखो कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद ग्रुप बी। ग्रुप बी में पहला मेरा टर्मिनोलॉजी है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो व्हाट इज दैट वेट बाय वेट, जहां पे भी आपका टर्मिनोलॉजी W बाय W आया, इसका मतलब आपको ये समझना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता, मतलब परसेंटेज W बाय W का अगर एक्चुअल में फार्मूला होगा तो व्हाट इज विल बी दैट फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका परसेंटेज W बाय W होगा, वेयर वेट ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% कंटेन 30% वेट 30% बाय वेट 30% बाय वेट 30% by weight of urea, of urea, 30% by weight of urea, ठीक है? पहला तो meaning है, question है, what does it mean? What does it mean? And second question आपसे क्या बोल रहा है? Second question बोल रहा है कि calculate weight of solute and solvent in 7.5 gram of solution, 7.5 gram of, okay, now first question क्या बोला, 30% by weight का मतलब क्या हुआ, simple सा बात है भैया, 30 gram solute present है, अब solute कौन सा भैया, यूरिया है। एक्वस मतलब मैंने आपको पहले बोल दिया, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है मेरे कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितने में प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, इसका 30% बाय वेट का मतलब आप कहीं पे भी, अब मान लो आप दवाई दुकान में भी कोई दवाई खरीदने में जाते हो तो कहीं चीज लिखा रहता है 30% W बाय V या 30% परसेंटेज बाय वेट या 30% W बाय W, इसका मतलब आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझे बात को, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट उसने कितना दिया, 7.5 into 100, और ये 30% मुझे सॉल्यूट दिया हुआ है। तो नाउ दिस और दिस कैंसिल, व्हाट विल बी दैट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 3 into 7.5 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट्स नथिंग बट 5 3 15 5 ऐसा लगे 21 22। ठीक है, नाउ 2.25, देन व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कुछ नहीं होगा, 7.5 से हम लोग क्या कर देंगे 2.25 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 5.25 मेरे हिसाब से क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया, पहले क्वेश्चन बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले पे किए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज आर 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर 0.2 moles of glucose are dissolved in are dissolved in 64 gram H2O 64 gram H2O calculate percentage W by W of glucose एंड वाटर भी, चलो मैं पूछ देता हूं, कभी कभी हो सकता है आपसे जरूरी नहीं सॉल्यूट का ही आपको कंसंट्रेशन टर्म पूछे, हो सकता है आपसे सॉल्वेंट का भी पूछे, तो आपको दोनों आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैंने यहां वेट ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज दी है, क्या वो क्या दिया, मैंने आपको ग्लूकोज का मोल्स दिया, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा यहां से,
वेट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 0.2 इनटू 180, मतलब इसका जो मोलर मास है जैसे दिस कैन से मतलब 36 ग्राम आपके पास क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है तो दैट समथिंग बस 64 ग्राम। ओके तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ग्लूकोज का अगर मैं निकालूं, ग्लूकोज का निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 100 इनटू 100 तो दैट्स समथिंग बट 36%। अगर 36% ग्लूकोज है तो 100 माइनस 36% क्या होगा, दैट्स नथिंग बट 64 मेरे लिए क्या होता है परसेंटेज ऑफ H2O, मतलब परसेंटेज ऑफ मास ऑफ H2O प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब केस है हमारे लिए मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, x से। एक बात हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन कभी भी आपको ये चीज तो पता होगी, फ्रैक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होता है और वन से छोटा होता है। इसका मतलब दो बातें, दो बातें ये मतलब हुई कि ये कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकता और जीरो से कम हो नहीं सकता, ठीक है। आगे डिटेल में समझाऊंगा बट फिलहाल के लिए आप समझो। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसी का भी मोल फ्रैक्शन, कोई भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, मतलब एक्स ऑफ एनी सब्सटेंस में मान के चल रहा हूं, तो इसको क्या होगा, जिसका निकालना है उसका मोल्स ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आप नीचे रखो, ठीक है। जैसे सपोज करो सॉल्यूशन में मेरे कितने पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन में मेरे दो पार्ट, दो सब्सटेंस होते हैं, दो पार्टिकल, एक होता है मेरा सॉल्यूट और एक होता है मेरा सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है मेरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मैंने बी से डिनोट किया और सॉल्वेंट को मैं हमेशा ए से डिनोट करूंगा, याद रखना सॉल्वेंट मेरे लिए ए है और सॉल्यूट क्या है मेरे लिए बी। लेट्स से इसके मोल्स मेरे NB हो गए और इसके मोल्स मेरे क्या हो गए NA हो गए, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब क्या हुआ NB बाय NA प्लस NB, टोटल मोल्स आपके पास सॉल्यूशन के कितने होंगे NA प्लस NB। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपके पास कितना हो जाएगा NA बाय NA प्लस NB, NA बाय NA प्लस NB। तो अगर मैं दोनों का समेशन करूं XA प्लस XB तो आपके पास कितना होगा NA बाय NA by NA plus NB plus NB by NA plus NB. So that's nothing but 1. तो इसका मतलब summation of XI हमेशा कितना होगा 1. अब एक substance हो, दो substance हो, तीन substance हो, तीन substance होगा तो मतलब C भी है. तो C NC by NA plus NB plus NC. अब तीनों का sum करिएगा तो मतलब overall क्या होता है? 1 ही होता है. मतलब एक बात हमेशा रख, total mole fraction किसी भी solution का 1 होता है. 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। क्या यहां पे मैं इक्वल टू साइन दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं बेटा, यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहां पे मैं इक्वल टू दूंगा मतलब अगर मान लो x 0 है, x 0 कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर मेरा 0, डिनोमिनेटर तो 0 कर ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर 0 का मतलब 1 समथिंग बाय 0 इज इनफिनिटी। इसका मतलब क्या होगा, n मान लो सपोज कर x है 0, x है 0 का मतलब मेरा n है 0, n है 0 का मतलब सब्सटेंस तो प्रेजेंट ही नहीं है, दैट सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब सिंपल सा मतलब है कि वो सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है ही नहीं। अब जैसे मैं सपोज करूं, मैं ऐसे बोलता हूं नींबू पानी में दूध का मोल फ्रैक्शन कितना, अरे नींबू पानी में दूध डालते कहाँ है, तो दूध जब डालते हैं तो इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपको चाहिए समझ में आ गया मेरे हिसाब से, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट सब्सटेंस इज एब्सेंट इन द सॉल्यूशन और एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 मतलब न्यूमरेटर क्या होगा 1, मतलब सिंपल से बात है मतलब 1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 मतलब ये होगा कि भैया वो सब्सटेंस इज प्योर, मतलब वही है ही और कोई है ही नहीं उसके अंदर, मतलब सब्सटेंस इज इन प्योर फॉर्म, सब्सटेंस इज इन प्योर फॉर्म। तो यहां तक चीज सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा।
ठीक है। नाउ अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन 30 ग्राम ऑफ यूरिया मिक्स्ड विद 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विद 30 ग्राम ऑफ यूरिया मिक्स विद 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर डिटरमाइन पहला परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ यूरिया, सेकेंड आ जाएगा मेरा लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर, ठीक है। नाउ 30 ग्राम मिक्स किया यूरिया किसमें, वाटर में, मतलब सिंपल सा बात है भैया, मिक्सिंग से पहले जो भी सब्सटेंस होगा, मिक्स वर्ड से पहले जो सब्सटेंस होगा हमेशा रहता है वो तुम्हारे लिए क्या होगा, सॉलिड, और मिक्स वर्ड के बाद वाला सब्सटेंस हमेशा आपके लिए क्या होता है, सॉल्वेंट मान लो। और ऐसे भी नहीं समझ आता ऐसा सब, जो लार्जर क्वांटिटी में वो आपके लिए सॉलिड हो गया, लेसर क्वांटिटी में सॉल्वेंट हो गया। तो चलो मोल्स ऑफ यूरिया मैं निकाल सकता हूं डायरेक्ट, तो 30 बाय यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। हालांकि ये मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बता चुका हूं मैं इन सबके फॉर्मूले, बट फिर भी मैं एक बार यहां पे रिमाइंड कर दे रहा हूं, NH2 तो 12, 14, 28, 28 और 4, 32, 32 और 16, 48, 48 और 12, 60, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। और मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 45 बाय 18, तो ये हो जाएगा 15 बाय 6, मतलब ये हो जाएगा 5 बाय 2। अब समझो उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन मेरा बोला परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो दैट समथिंग बट वेट ऑफ सॉल्यूट 30, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 30 प्लस 45 दैट समथिंग बट 75 इनटू 100, तो 104.3, तो दैट समथिंग बट 40% मेरा क्या हो जाएगा, 40% यूरिया प्रेजेंट सॉल्यूशन में। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की बात करूं तो 1 बाय 2 मतलब दैट समथिंग बट 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 2.5, अरे 1 बाय 2 को 0.5 लिख सकता हूँ, 5 बाय 2 को 2.5 लिख सकता हूँ, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2.5, तो दैट समथिंग बट 0.5 बाय 3, तो दैट समथिंग बट 5 बाय 30, तो दैट समथिंग बट 1 बाय 6। अगर 1 बाय 6 मेरा यूरिया का मोल्स है तो वाटर का मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, वाटर का मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे 1 माइनस 1 बाय 6, अरे भैया टोटल मोल्स आपके पास 1 ही है ना, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है, एक का अगर 1 आया तो दूसरे का कितना होगा, 1 से सबट्रैक्ट कर दो तो दैट समथिंग बट 5 बाय 6। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, अभी हम एक और क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चंस मैं आप गौर कर रहे हो, मैं क्वेश्चंस बहुत करवाता हूं आपको नॉर्मल सेशंस में अपने, क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी कांसेप्ट पढ़ो ताकि आपका पूरा कांसेप्ट लेक्चर खत्म होने से पहले अच्छे से आ जाए, क्योंकि यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बार ये सब कर लोगे ना तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसलिए बोलता हूं मैं आफ्टर लिमिटिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से इनको पढ़िए अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, चलो अब मुझे लगता है इतना काफी है, ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे बढ़ते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है मोलालिटी, इसको याद रखना, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, याद रखना, बच्चा बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, इवन जो 12th के स्टूडेंट भी इनमें कंफ्यूजन, मोलालिटी होता है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलालिटी जो होता है उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ, यहां पे मैंने बोला था ना एक टर्मिनोलॉजी कंसंट्रेशन में कैसा है जिसमें नीचे सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्वेंट आता है, तो याद रखना यहां पे मुझे टर्मिनोलॉजी किससे मतलब है, तो मतलब क्या होगा, एन बाय वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी चेंज कर सकते, क्या मोल्स को मैं लिख सकता हूं, मोल्स को लिख सकता हूं डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, सो ये मोल्स हो गया इनटू केजी है, तो या तो 1 बाय डब्ल्यू इन केजी ऐसा लिख दूं मैं, इसी फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मान लो वेट ऑफ सॉल्यूट है मेरा ऊपर
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर एक ग्राम में है तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मेरा ग्राम में है मान लो, इन ग्राम मान लो प्रेजेंट है, ऊपर क्या आ जाएगा 1000। तो यही फॉर्मूला इसका एक्सटेंशन है, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूले सारे एक ही है, बट इसी को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन sufficient water to produce 1.36 kg of solution, calculate molality of solution। देखो अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं मतलब नहीं कि आपको ये बोर्ड मतलब सिंपल स्कूल लेवल टाइप के एग्जाम मतलब में पूछे जा सकते ऐसे क्वेश्चन। आपसे जेई नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, जेई नीट में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। जेई नीट में मान लो मोल फ्रैक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा मोलरिटी निकालो, आपको मोलरिटी दे देगा, बोलेगा मोलरिटी निकालो, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे देगा, बोलेगा परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी निकालो, वहां से फिर वहां से आप निकालो क्या नाम है मोलरिटी, वहीं से आप निकालो मोल, एक कंसंट्रेशन टर्म देगा तो आपसे बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म पूछ सकता है। अब इसका तरीका क्या होता है, ग्रुप ए मेरा कौन सा था वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ग्रुप बी कौन सा था मेरा मास डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब ग्रुप ए से ग्रुप बी निकालने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, तो दैट्स नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कभी भी क्वेश्चन में इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा दिया जाता है, ठीक है। हालांकि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में इससे मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या पूछा, मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी पूछा, तो इसका मतलब ये है। अब आप मुझे बताओ कि आपको मैंने मोलरिटी दिया, मोलरिटी का मतलब होता है एन बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट का, किसका सॉल्वेंट का। तो पहले मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे लेकिन मोल्स दिया, तो वेट ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए मैं करूंगा 360 इनटू क्या करूंगा मैं, अच्छा 360 तो दिया हुआ है ना, सॉरी वेट दिया हुआ 360 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन केजी में है तो मान लो 1360, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मेरे पास 1360 माइनस 360, तो दैट्स नथिंग बट 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी, सिंपल सा बात है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ग्लूकोज निकालने के लिए 360 को डिवाइड करूंगा मैं 180 से, तो दैट्स नथिंग बट 2। और नाउ अगेन मोलरिटी मेरे कितना है, मोल्स 2 है, वेट कितना है 1 केजी सॉल्वेंट का, तो दैट्स नथिंग बट 2 मोलल बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है 2 मोलल लल 2 मोलल सॉल्यूशन है ये। आई बात समझ में, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अब मैं फिर से सारा चीज ड्रॉप कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, ताकि अच्छे से हो पाए। यहाँ तक चीज आपको समझ में आएंगे, सॉरी थोड़ा आपको वेट करना पड़ा क्योंकि बोर्ड भी थोड़ा लंबा है, थोड़ा करने में टाइम लगता है, ठीक है।
नेवर माइंड, लेट अस कंटिन्यू क्वेश्चन से, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करते हैं फिर हम, ठीक है। नाउ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर, आर डिसॉल्व्ड इन sufficient water to produce 500 ml of solution, if density of solution is, if density of solution is 1.18 ग्राम पर ml, then calculate, then अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इसमें मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, आपको मोलरिटी निकालनी है, सेकंड आपको मोलरिटी निकालनी है, थर्ड क्वेश्चन है आपको परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू निकालना है, फोर्थ क्वेश्चन आपको परसेंटेज डब्लू बाई बी निकालना है, और फिफ्थ क्वेश्चन आपको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। मैं सारे इसी में कवर कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट। देखो हमेशा मैंने याद रखना, हमेशा बेसिक डेफिनेशन सब कंसंट्रेशन टर्म की आपको पता होनी चाहिए, कि आपको एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन कैसे करता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा याद रखिएगा बेटा, आखिर कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है। पहले तो देखो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है आपके पास, वेट ऑफ ग्लूकोज आपके पास है 90 ग्राम, तो यहां से मैं मोल्स भी निकाल सकता हूँ ग्लूकोज के, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 90 बाय 180, तो दैट्स समथिंग बट 1 बाय 2। नाउ अब कितने 500 ml सॉल्यूशन में है, देखो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे मतलब पहला तो मेरा मोलरिटी से जो मुझे पता चल जाएगा, कैसे मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलरिटी क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन लीटर, तो मोल्स कितने हैं मेरे 1/2 डिवाइडेड बाय 500 ml है मतलब 0.5 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए मुझे परसेंटेज w / v दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 90 डिवाइडेड बाय 500 × 100, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो दैट्स नथिंग बट 5, तो ये कितना हो जाएगा 18% w / v। तो ये आपका पहला। अब देखो इसको और इसको निकालने के लिए आपको दो बातें, एक तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और दूसरा मोलरिटी निकालने के लिए, सॉरी मोलरिटी निकालने के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो उसके लिए कुछ मत करो, डेंसिटी दिया हुआ है, वेट ऑफ, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर कितना होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना 1.18 इनटू आपका हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा दिस, तो मतलब हो जाएगा 590 ग्राम। आपका क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेट फॉर डेट हो जाएगा 590 - 90, दैट्स नथिंग बट 500 ग्राम मेरे पास क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो सिंपल सा मोलरिटी बराबर कितना होता है 0.1 मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1/2 अपॉन ये कितना है 0.5, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन, तो ये भी खत्म मेरा। अब ये तो बचा W/W और ये W/W निकालने के लिए क्या करेंगे, W/W निकालने के लिए 90 डिवाइडेड बाय 590 इनटू 100, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड वन वेट ऑफ सॉल्यूशन 590, 500 मत लेना बेटा। तो आई होप सो यहां से आप निकालोगे कितना आएगा 900 बाय 59, लेट्स से मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको, 900 बाय 59% मेरा आएगा लेट्स से, ठीक है। आपको निकालना क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए आप ऐसे कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब समझो ग्लूकोज निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 बाय 18,
500 बाय 18 आ गया आपके पास। मैं फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ग्लूकोज का वेट कितना था, मोल्स कितने थे, 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 500 बाय 18। तो दिस इज योर, आप बाकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ दूं, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यहां तक की जो आपको क्लियर हो चुकी होंगी मेरे हिसाब से, आप आई होप सो, ठीक है। नाउ अगर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां से आपको पहले बच्चों समझ में आ गया कि डेंसिटी का डेंसिटी का क्या रोल, क्या मेजर रोल होता है बाकी सब चीज निकालने के लिए, ठीक है। अगर मैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सम स्पेशल फॉर्मूले, देखो जिसमें आपको ये कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जेई मेंस में या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो याद रखिएगा पहला फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू डेंसिटी। ये मेरा पहला फॉर्मूला है। अगर आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी पता है तो आप डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी निकाल सकते हैं। यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने के लिए आप देखो, आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी निकालना है, क्या परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पता है, चलो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इसी क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू हमने निकाला 900 बाय 59 और डेंसिटी मुझे कितना दिया 1.18, तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, 59 2 मतलब देखो 18%। तो आपको डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दिया था, डब्ल्यू बाय वी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। नाउ सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है मेरा कि अगर आपको मोलरिटी निकालनी है और आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी आपको पता है, तो इसको आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए देखो, मोलरिटी 10, डब्ल्यू बाय वी आपको कितना दिया था 18%, 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना, ग्लूकोज का मतलब मोलर मास हो जाएगा 180, तो दिस और दिस 1, अगेन मेरा आंसर सही है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक से ये भी, ठीक है, शॉर्टकट्स फॉर्मूला ये, ठीक है। अब मोम क्या मैं मोलरिटी पे ऐसे भी लिख सकता हूं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, पहली बात। दूसरे में इट इज द मोलरिटी ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, याद रखना कैपिटल एम क्या डिनोट करता, मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलरिटी मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मोलरिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी एंड मोलरिटी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। आई होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आप क्रॉस चेक फिर से कर सकते हो, मोलरिटी निकालना है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय कितना है 900 बाय 59 इनटू 1.18, डेंसिटी है मेरा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है मेरा 180, दिस इज 100 और ये कैंसिल, दिस इज 2 टाइम्स और अगेन मेरा कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं चीजों से, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलरिटी एंड मोलरिटी, तो ये हो जाएगा 1000 इनटू, ये कैपिटल एम क्या है मेरा, मोलरिटी, ये है मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, मोलरिटी मतलब मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, मोलरिटी मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, ठीक है। इनटू 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये फॉर्मूला आपको एक बार जेई मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, चार ऑप्शन दिए थे इसमें करेक्ट आपको बताना। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट, ये कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन के ही आ जाता है कि विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड मोलरिटी, तो चार रिलेशन दिया जाएगा तो आपको याद रखना। क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो, 1000 मोलरिटी कितनी थी, 1 थी, अपॉन 1000 डेंसिटी कितना था, 1.18 था, माइनस 1 इनटू 180, दिस तो 1000 अपॉन 180 माइनस 180, तो दैट्स नथिंग बट 1। देखो एक मेरे तरफ से पर्सनल सजेशन तो ये रहेगा,
आप ये तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और एक और फॉर्मूला दूंगा वो यूज करूंगा, लेकिन कभी भी मोलरिटी से ये इसमें मत फंसना। हमेशा शॉर्टकट जो बेसिक मेथड है कि पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो, वेट ट्राई करो डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का, वहां से मोलरिटी आप निकाल सकते हो। इस झंझट में पढ़ोगे फिर विल बी लेंथी कैलकुलेशन, यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन आसान था तो इजीली हो गया, बट अगर मान लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसी कुछ चीजें आती तो आई इन माय सजेशन डोंट फॉलो दिस एक्सेप्ट दिस फार्मूला, बाकी आप कोई फार्मूला यूज कर सकते हो। फिफ्थ फार्मूला आपके पास क्या है, फिफ्थ फार्मूला हो जाएगा मोलरिटी। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, इसको मैं क्या लिख, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना। एकमात्र ये एक ऐसा फॉर्मूला है ना जिसमें सॉल्वेंट का मोलर मास आपको यूज करना है, ना कि सॉल्यूट। बाकी हर सब में देखो मैंने सॉल्यूट का मोलर मास यूज किया, लेकिन इसी फॉर्मूले में दिस इज द रिलेशन बिटवीन, मैं लिख भी देता हूं ये क्या है, रिलेशन शिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैं इसको इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं। आई होप सो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही थी। ये बड़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट नेवर यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी हमेशा बेसिक डेफिनेशन से जाइए तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप जल्दी जल्दी स्पीड में आप अपने करें क्वेश्चंस। फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए शॉर्ट ट्रिक्स सारे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच कंटेन 98% W/W ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी एंड having density 1.8 g/mL। देखो molarity निकालनी है, W by W आपको दिया हुआ, simple सा formula use कौन सा करेंगे, very good, 10% W/W into density upon molar mass of solute, तो 10 W by W कितना दिया हुआ, 98% मत लिखना, मतलब वो 98 एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है आपको, into 1.8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज H2SO4 मोलर मास 98, तो दैट्स नथिंग बट कितना हो जाएगा 18 आपके पास मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन contain 28% W/W of KOH if density of solution is 1.25 g/mL, then calculate first molarity, second molality, third percentage W/V, fourth आपको बोला percent mole fraction of KOH। चलो इतना दिया हुआ है, देखो हमें क्वेश्चन करा रहा हूं तो प्लीज आप पहले खुद से भी ट्राई करिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 28% W/W KOH का मतलब ये हो जाएगा सिंपल सी भाषा में कि 28 g KOH है 100 g में, मतलब व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 g, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है, लेट्स से 1.25 है, सॉरी 1.25
255, then what is the volume of the solution? Volume of the solution आपको हो जाएगा 100 divided by 1.25, so that's nothing but 100. अच्छा 1.5, 1.25 को 5 by 4 लिख लो, better है. 5 by 4 लिख लो तो calculation आसान हो जाएगी. तो नीचे 5 into 4, so that's nothing but 80 ml मेरे पास क्या आ जाएगा? Volume of the solution. 28 gram KOH हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से तो मैंने basic information निकाली, mass. मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे 28 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 72 ग्राम के वाटर, ठीक है? देन व्हाट इज द मोल्स ऑफ केओएच? मोल्स ऑफ केओएच यहां से मैं निकाल सकता हूं 28/56, दैट्स नथिंग बट 1/2, और मोल्स ऑफ वाटर में लिए कितना हो जाएगा, दैट्स नथिंग बट 72/18, तो दैट्स नथिंग बट 4. देन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ केओएच की बात करूं तो दैट्स नथिंग बट 1/2 प्लस डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 4, so that's nothing but 0.5 divided by 4.5, so that's nothing but 1/9. Then what is the mole fraction of water? Mole fraction of water will be 8/9. मतलब 1 से 1 minus 9 subtract कर दो, that will be the answer. ठीक है? तो ये मेरा fourth part complete हो गया. चलो, अगर हम moving to the next part, कि अगर हमारा क्या question बोल रहा है? चलो, question क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अब परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी निकालने के लिए परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पता है कितना? 28 इनटू डेंसिटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी भी कितना दिया 1.25, मतलब 5/4, तो दैट यहां पे इजीली हो जाएगा, तो 35% डब्ल्यू बाय वी हो जाएगा. ठीक है, डब्ल्यू बाय वी पता चल गया, मोलरिटी डायरेक्ट निकाल लो, तो 10 इनटू परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 10 इनटू 35 डिवाइडेड बाय 56, तो ये कुछ कैंसिल होगा क्या? इसका मैं चलो डायरेक्ट आंसर भी लिख देता हूँ. मोलरिटी ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 56, अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 6.25 हो गई. कितना होगा? 6.25. ये मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, देखो आप फिर भी एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना यहाँ पे. नाउ मोलरिटी मेरी हो चुकी है, मोलरिटी खत्म हो चुका. अगर मैं मोलरिटी की बात करूं, मोलरिटी के फार्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स मेरे कितने हैं? 1/2 है. वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा 72 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ग्राम में, तो ग्राम 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा मेरा 1000 डिवाइडेड बाय 1/2 नीचे, तो दैट्स नथिंग बट 44, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी. ये भी कैलकुलेट हो चुका है, ये भी कैलकुलेट हो चुका है, ये भी कैलकुलेट हो चुका है, ये भी कैलकुलेट हो चुका है. तो हमने इस तरीके से शॉर्टकट फार्मूले से क्या कर लिया, चारों चीजें कैलकुलेट कर लिया है. अब आपकी मर्जी, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, बट जब मेरा बेसिक चीज से आ रहा तो व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, रेस रहने दे सकते हो. ठीक है, ये सब तब यूज करना जब आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलरिटी निकालने बोला, तब in that case you can use this formula. ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आए. चलो इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, दो लास्ट टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, आज के सेशन के. इसके बाद कल जो हमारा होगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होंगे, कल हमारा मोलर मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट सेशन होगा. ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, डाइल्यूशन फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइल्यूशन फार्मूला. देखिए इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते, बट कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको इनडायरेक्टली यूज करा देता है. अगर आप घर में, मम्मी जब सब्जी बनाती है, उसमें मान लो नमक बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो क्या करती है मम्मी उसको मेंटेन करने के लिए? क्या करती है उसको मेंटेन करने के लिए? राइट, हम नमक डालते हैं, नहीं पानी डालते हैं. राइट, अब आप ऐसे सोचो, पानी डालने से क्या नमक कम हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होता. राइट, आप ऐसा सोच सकते हो, देखो कि पानी डाला आपने उस नमक सब्जी में, तो पानी डालने से क्या नमक कम हो जाएगा? पहले से सोच के देखिए, क्या सोचे? राइट, नहीं होगा. मतलब देखो, क्या वो नमक बाहर चला जाएगा पानी डालने पर सब्जी के अंदर? जब हम मारो नमक, फिर से मैं समझा रहा हूँ, सब्जी मम्मी बनाए, गलती से नमक ज्यादा गिर गया, गलती से नमक ज्यादा गिर गया तो मम्मी पानी डाल देती है, क्या पानी डालने से नमक कम हो जाता है? लाइक कम हो जाता है, मतलब उसका अमाउंट कम नहीं होता है, उसका टेस्ट कम हो जाता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मोलरिटी का फॉर्मूला होता है n by v, इसका मतलब यह होगा कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आई बात समझ में आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है प्रोसेस ऑफ, ये तो समझ में आया, तो मतलब पानी डालने पर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कंसंट्रेशन मतलब उस नमक का टेस्ट कम होगा बट अमाउंट सेम रहता है बेटा, याद रखना। तो इसके डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। सपोज करो मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी मुझे m1 पता है और उसका वॉल्यूम v1 पता है, मैंने क्या किया डाइल्यूशन किया, मैंने क्या किया डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड किया। तो समझो बिफोर डाइल्यूशन मोलरिटी वॉल्यूम मोल्स, ठीक है। बिफोर डाइल्यूशन मोलरिटी कितनी थी सॉल्यूशन की, m1 थी, वॉल्यूम कितना था v1 था, देन व्हाट इज द मोल्स राइट, m1 v1 कितना होगा m1 v1, क्योंकि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला था n / v, देन व्हाट इज द मोल्स, तो दैट्स नथिंग बट m / v, वही तो मेरे लिए मोल्स। आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन भी कराए थे, तो मोलरिटी और वॉल्यूम दिया तो दैट्स मतलब आपको मोल्स दिया हुआ उसने। आफ्टर डाइल्यूशन पानी ऐड करने के बाद दो चीजें चाहिए, अगर मान लो m2 मुझे मिल रहा है तो m2 मेरा जो होगा वो हमेशा छोटा होगा m1 से, क्यों, क्योंकि पानी डालने पर मोलरिटी क्या होती है घट जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन घट जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा। और मान लो v2 सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे, तो v2 क्या होगा, v2 मेरा होगा v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, के आखिर मैंने उसमें वाटर कितना ऐड किया, तो v2 विल बी ग्रेटर देन v1, तो ये मान लो v2 हो जाता है, व्हाट इज द मोल्स, तो दैट्स नथिंग बट m2 v2, तो मुझे पता है मोल्स बिफोर डाइल्यूशन bd इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि मोल्स तो चेंज नहीं है, वो उतने ही रहेंगे, इसलिए हमारा फार्मूला बन जाता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो ये याद रखना, ये डाइल्यूशन का फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा डाइल्यूशन टॉपिक खत्म हुआ, अब हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। ठीक है अब यहां तक चीज आपको समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, ये थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। अब मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग करने के लिए मतलब दो बातें याद रखना, इट कैन बी हैपन ओनली व्हेन, देखो ये दो कंडीशन को फॉलो करता है, जब तक ये दो कंडीशन सेम नहीं होगी तब तक मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग मतलब क्या, सिंपल से भाषा में आप समझो ना कि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, दो चीजों को मिक्स करने को ही हम क्या कहते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। लेकिन कब अप्लाई होगा, जब सब्सटेंस सेम होना चाहिए, या तो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सब्सटेंस इज सेम, या क्या होना चाहिए, सब्सटेंस सेम होना चाहिए, या तो आयन शुड बी सेम, कॉमन आयन बोल सकते हो, कॉमन आयन बेसिकली हम बोलता हूं, कॉमन आयन होना चाहिए, एक वर्ड को समझते हैं कॉमन आयन होना चाहिए। कहने का मतलब सब्सटेंस सेम मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो एक HCl का सॉल्यूशन है, दूसरे भी HCl का सॉल्यूशन, दोनों की मोलरिटी अलग अलग है, तो ये एप्लीकेबल हो सकता है। मान लो जैसे ये हो जाएगा कि मान लो NaCl को मिक्स किया मैंने NaNO3 से, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्या HCl प्लस NaOH को मिक्स करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दे विल रिएक्ट और रिएक्ट करेंगे तो हम मिक्सिंग का फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये क्योंकि नेचर सेम नहीं है बेटा, देखो ये एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का, तो ये रिएक्ट, जहां रिएक्टिंग की बात आ गई तो मतलब मिक्सिंग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास ये सॉल्यूशन 1 है, क्या है सॉल्यूशन 1 जिसका मोलरिटी m1 है, उसका वॉल्यूम v1 है, और बाद में आपको एक सॉल्यूशन 2 भी है जिसका मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2 है, दोनों ने आपने मिक्स किया, ठीक है, तो आपको बताना है ये जो सॉल्यूशन मिलेगा इसका रिजल्टेंट मोलरिटी कितना होगा। सपोज करो इसके अब बेसिक डेफिनेशन से जाओ,
कोई भी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी मोलरिटी का फॉर्मूला होता है एन बाई वी, ठीक है। तो वी टोटल का मेरा कितना हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, क्योंकि आप क्योंकि वॉल्यूम हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। आपको पहले बोला मैंने, मान लो ये 500 ml है, ये 1000 ml, दोनों को मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम 1500, तो वी वन प्लस वी टू मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मोल्स में क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ बी एडिटिव नेचर के होंगे। यहाँ पे मोल्स कितने हो गए, यहाँ पे मेरे मोल्स हो गए एम वन वी वन, और यहाँ पे मोल्स कितने हो गए मेरे एम टू वी टू। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। Now what is the resultant molarity, ये हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2। आया समझ में? मान लो अगर आपके पास तीन सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by v1 plus v2 plus v3। तो overall में resultant molarity का ऐसा फॉर्म होता है, summation of mi bi by summation of mi, ठीक है। तो आपको इस तरीके से molarity of mixing क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं मोलरिटी को मिक्सिंग को समझने के लिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन चीजों पे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 ml ऑफ 0.2 ml सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ 0.2 ml सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.3 ml solution, 300 ml 0.3 ml solution, calculate final molarity of solution, ठीक है। तो same formula मेरे लिए क्या लगेगा, mr बराबर हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2। m1 v1 आपके लिए कितना होगा 0.2 m1 हो जाएगा, v1 आपके लिए 200 plus 0.3 into 300 divided by v1 plus v2 मतलब 500। That's nothing but 40 plus 90 divided by 500, so that's nothing but 130 by 500, तो दस नंबर 13/50 मेरा क्या हो गया रिजल्टेंट मोलरिटी हो गया। अब एक बात आप समझो, बात तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके हिसाब से, ये मेरे हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.2 से तो बड़ी होगी, 0.3 से छोटी होगी। आपको उसे समझ, आप दो चीज को मिक्स करोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि मान लो आपने एक कंटेनर में 500 ml सॉल्यूशन लिया, दूसरे कंटेनर में आपने 1000 ml सॉल्यूशन लिया, जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या 2000 हो जाएगा, नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1500 होगा। तो 1000 और मतलब उनकी 1500 ml वॉल्यूम टाइट हो जाएगा। लेकिन मान लो एक में मोलरिटी 0.2 है, एक में मोलरिटी 0.3 है, तो क्या 0.4 मोलरिटी हो जाएगी, नहीं। हमेशा मोलरिटी मिक्सिंग में हमेशा क्या होता है, हमेशा एवरेज का ही केस लिया जाता है। अब 0.2 0.3 में जिसका अगर मान लो दोनों का वॉल्यूम सेम होता तो मोलरिटी एग्जैक्ट क्या आती थी 0.25 आती थी, क्योंकि दो चीज का एवरेज हमेशा क्या होता है, दो नंबर का एवरेज क्या होता है, दो नंबर का एवरेज दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तीन नंबर का एवरेज कितना, तीन नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो इनका एवरेज आता है 0.25। ये 0.25 मोलरिटी कब होती थी, जब दोनों सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होता था, जब दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल होता था। लेकिन अब तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0.25 से तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट वॉल्यूम किसका है 0.35, मतलब 0.25 से ज्यादा 0.3 से कम। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको मिक्सिंग ऑफ गैसेस एवरेज मॉलिक्यूलर मास में, यहाँ पे भी वो चीज वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। मान लो आपको ऑप्शन दिया 0.15,
आपको एक ऑप्शन दिया 0.25, एक ऑप्शन दिया 0.35 और एक ऑप्शन दिया 0.26, तो 0.15 0.35 से कैंसिल, क्योंकि ये 0.2 से कम है और 0.3 से ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में, तो इन दोनों में 0.25 कब होगा, जब वॉल्यूम इक्वल होता है, तो मतलब इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा, 0.26। ये सब टेक्निक्स है जो आपको किसमें हेल्प करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंट्रेंस में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सब चीजें। तो थोड़ी स्पीड कैलकुलेशन आप अपनी बढ़ाइएगा। एक और क्वेश्चन कहता है 750 ml ऑफ 750 ml ऑफ 0.5 mL सॉल्यूशन 0.5 mL सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद इट is mixed with 250 ml of 2 mL solution to find final molarity of solution। आसान क्वेश्चन है, इजिली वे में कर सकते हो। क्या करूंगा मैं, ml विभाग मतलब 750 इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा प्लस 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 1000, तो मतलब ये हो जाएगा 0.875 मॉडरेटली हो जाएगा। ठीक है नाउ, ठीक है ये आई होप सब यहां आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। मेरी आपकी मेन पॉइंट रहते हैं कि आपको सब चीज आना चाहिए, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, एडवांस से एडवांस क्वेश्चन भी। ठीक है तो लेग क्वेश्चन क्या बोला, 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन कॉमा 500 ml ऑफ 0.3 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन 800 ml ऑफ 0.3 मोलर AlCl3 सॉल्यूशन एंड 2 लीटर ऑफ वाटर आर मिक्स्ड एंड 2 लीटर ऑफ वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर determine concentration of Cl minus ion in final solution। okay देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ अब तक मैंने सब्सटेंस सेम दिया था, अब मैंने आपको आयन सेम दिया। जब भी आपको फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछे तो समझो पहले बात को, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ 300 ml ऑफ 0.2 mNaCl दिया हुआ, दूसरा आपको क्या कौन सा सॉल्यूशन दिया हुआ 500 ml ऑफ 0.3 mMgCl2। ठीक है तीसरा दिया हुआ है 800 ml ऑफ 0.3 mAlCl3 और लास्ट में आपको 2000 ml वाटर क्या करना है, ऐड करना है। तो समझो अगर कभी भी इनमें वाटर ऐड किया जाता है तो ये किसमें टूटता है, Na+ और Cl-, दूसरा इसमें क्या टूटता है Mg+2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl-, तीसरे इसमें क्या टूटेगा Al+3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl वाटर। तो वाटर ये कभी भी वाटर के प्रेजेंस में जाते हैं सॉल्ट तो इस तरीके से टूटते हैं।
तो आपको उसने क्या पूछा कि फाइंड आउट द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन। या मैं ऐसा नहीं भी देता था, या मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसा देता कि व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको सिर्फ Cl- का कैलकुलेट करना था। क्यों? क्योंकि यही कॉमन आयन थी, याद करो मैंने अभी बताया था मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कॉमन आयन। इन तीनों में कॉमन आयन क्या था? Cl-। तो क्या Cl- को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूं? इसका मतलब यह कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का जब तक कुछ ना दिया जाए तब तक हम मोलरिटी ही पकड़ के चलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ Cl- नथिंग बट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। जब तक ना दिए, कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकता है भाई, W by W, बट स्टैंडर्ड टर्म में हम हमेशा मोलरिटी को डिनोट करते हैं। तो Cl-, अब ऐड कर दो 300 into 0.2 plus 0.3 into 500 plus, और क्या ऐड करना था आपको? और ऐड करना था 800 into 0.3। अब वाटर का तो कुछ कंसंट्रेशन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, तो नीचे कितना हो जाएगा? 300 plus 500 प्लस 800 प्लस 2000, क्योंकि वाटर भी तो डाल रहे हो तो वाटर ऐड होगा, उसको भूलना मत। देखो अगर आप ऐसे करोगे तो ये पक्का सॉल्यूशन गलत है। क्यों? इसका रीजन ये है, देखो MgCl2 में आपके पास एक्चुअल में कितने Cl- है? दो Cl-, इसलिए आपको यहां 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। AlCl3 में कितने हैं? 3 है, तो इस तब ये आंसर करेक्ट होगा। तो ये याद रखना कि जब सॉल्ट टूट रहा है तो एनायन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, तो वो भी आपको उतने नंबर मल्टीप्लाई करने होंगे। तो यहां से बस अब कुछ नहीं, कंसंट्रेशन Cl- आपको जो आ जाएगा मेरे हिसाब से, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं 1180/3600। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन आपको ऐसा बोला होता कि सेकंड क्वेश्चन सेकंड बार कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कैटायंस। ये तो आपने एनायन से निकाला, कैटायंस से निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? सपोज करो कंसंट्रेशन Na+ कितना होगा? Na+ का सोर्स कौन सा सॉल्यूशन में? यहां पे इन तीनों में से Na+ आपको कहां मिलेगा? सिर्फ इसी पार्ट से मिलेगा। तो नीचे तो 3600 क्योंकि वॉल्यूम टोटल आपको तो नहीं लेना, ऊपर आप कितना लोगे? 300 into 0.2, तो दिस इज दिस कैंसिल, तो दैट्स समथिंग बट 0.6 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, अगर मैं बात करूं Mg+2, तो Mg+2 नीचे अगेन 3600 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा मेरा? 500 into 0.3, दिस इज दिस कैंसिल, मतलब 150 बाय 3600। और अगर मैं बात करूं Al+3 की, Al+3 का कितना हो जाएगा ऊपर? ऊपर हो जाएगा 800 into 0.3 divided by 3600, this cancels, so that's about 240 by 3600। इस तरीके से हम किसी भी आयन का, किसी भी कैटायन का आफ्टर मिक्सिंग फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहां से हमारा टॉपिक आज लास्ट लेक्चर था, मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर था, कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। और इसके तरीके से मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट जो हमारा सेकंड पार्ट था फिजिकल केमिस्ट्री का, वो खत्म कर दिया है मेरे तरफ से। अब आपकी ड्यूटी होती है कि आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इन माय ओपिनियन नरेंद्र अवस्थी को फॉलो करें, जेई वाले और नीट वाले, क्योंकि जेई के लिए नरेंद्र अवस्थी की किताब अलग आती है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी, एंड नीट वालों के लिए भी अलग आती है। तो प्लीज वो रिस्पेक्टिव बुक खरीदें, और जब मैं आपको डीपी भी प्रोवाइड करता हूँ उनको बनाए, दैट विल बी इनफ फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो थैंक यू।